करने की जो क्षमता देश की थी वो खत्म हो गई। रक्षा मंत्री मेरी खत्म हुई। तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। हमको दिखेगा एक परस रहा, देखो क्या होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नो, डॉक्टर बाबर आवान के साथ मैं हूं फरवत मलिक। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के आगाज में बहुत अफसोसनाक सानिया जो पेश आया बाचा खान यूनिवर्सिटी में, लेकिन अब सोचना यह है कि इन तमाम तर सूरत हाल के, इन तमाम तर वाकयात के आखिर मुहर्रिकात अभी तक हम क्यों नहीं समझ पाए हैं। असरात इसके जिसके अब तक हम सह रहे हैं उन पर कोई बात क्यों नहीं हो पाई है, और मकासिद उन दुश्मनों के हम क्यों नहीं समझ पाए हैं जिसका हम अब तक निशाना बनते आए हैं। आप आगाज कीजिए कि तहकीक सानिया चार सदा के हवाले से, एक तो हमारे आर्मी चीफ ने इंटेलिजेंस शेयरिंग के हवाले से अफगानिस्तान में क्या बात की, हमारे दफ्तर खारजा की तरफ से क्या बयान आया, और हमारी काबीना इस पर अब तक क्यों खामोश है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चार सदा के सानहे और बाकी जो सूरत हाल है उस पर हम कुछ पहले ऐसे पहलू हैं जो इससे पहले उन पर सही तरह से कोई डिस्कोर्स स्टार्ट नहीं हुआ, उनकी तरफ हम जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपकी इजाजत से मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं एक ऐसी सूरत हाल की जानिब जो दुनिया में इससे पहले, और मैंने भी अपने पॉलिटिकल करियर में या अपने टेलीविजन के करियर में या पूरी जिंदगी में इससे पहले मैंने नहीं देखी। अच्छा, वो सूरत हाल क्या है? वो सूरत हाल ये है कि सानहे के हवाले से कुछ शातें ऐसी थी जिनको सर्कमस्टांशियल भी कहा जा सकता है, सेल्युलर भी कहा जा सकता है, और इंपॉर्टेंट लीड्स भी कहा जा सकता है, वो पहले दिन ही मिल गई। और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि टेलीफोन जो आ रहे थे और वो खास सिम थी और वो खास जगह से आ रहे थे, और उसके बाद एक लीड शुरू हुई जिसको पहले दिन ही एक कौम को बताया गया कि हम आपके साथ तफसीलात शेयर नहीं कर सकते। लेकिन अगले दिन क्या हुआ? अब इस वक्त जो अखबारात हैं आज के, अगर आप सामने रखें तो आपको दो बयानात नजर आएंगे। मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात इस सानहे के तनाजुर में यही है जो मैं आप कहने लगा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात टू माय अंडरस्टैंडिंग एंड पर्सपेक्टिव, वो बात यह है कि पाकिस्तान की मुसल्ला अफवाज का सरबराह बोलता है, और सरबराह कहता क्या है? वो कहता है कि यह हमला चारसदा की यूनिवर्सिटी का हमला अफगानिस्तान से कंट्रोल हुआ। फिर ये कहा जाता है कि जी जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है और जितनी भी लीड है वो सारी की सारी जाती कहां है, वो सारी की सारी जाती है सीधी अफगानिस्तान की तरफ। दो, यहां पे रुकता नहीं है, पाकिस्तान की मुसल्ला अफवाज का सरबरा जो अमेरिकन अफवाज के कमांडर मिस्टर कैम्बल उनसे भी बात करते हैं, और जो मजबूर सदर है अफगानिस्तान का, मजबूर हिंदुस्तान के हाथों में, यह भी बता दूं आपको, इस वक्त उस हिंदुस्तान के दोस्त के साथ गुफ्तगू की जाती है और उसको भी बताया जाता है कि ये हमारे पास एविडेंसेस है, और साथ मुतालबा किया जाता है कि इनको कटहरे में लाया जाए जो भी इस सूरत हाल के जिम्मेदार हैं, जो इसके प्लानर हैं और जो इसके मददगार हैं और जो इसके फाइनेंसर हैं। ये बात कहता है पाकिस्तान, नो पर्सन अदर देन एंड नो पर्सन लेस देन आर्मी चीफ जो है, कोई आम किसी जगह से ये बात नहीं है, वो कहते हैं। और फिर जो ISPR है उसकी एक आती है बाकायदा इसके ऊपर एक ट्वीट, उस ट्वीट में ये दिखाया जाता है, उस ट्वीट में ये कौम को बताया जाता है। अब पाकिस्तान की जो वजारत खारजा है, पाकिस्तान का जो आलमी वकील है मीडिया के अंदर, उसका काम ये है कि जब ये कहते हैं पाकिस्तान के मुतलका इदारे के जो तफ्तीश है और जो लीड्स हैं वो अफगानिस्तान की तरफ उनका सारा के सारा रुख है, तो वो उनका साथ दे, नहीं साथ दे सकता तो खामोश रहे। लेकिन वजारत खारजा पहली दफा बोल पड़ती है। अब मैं इस तरफ के वो बोले क्या आने से पहले मैं चाहूंगा कि जो उन्होंने कहा वो उनके अपने लफ्जों में, ताकि हम किसी चीज को मिस इंटरप्रेट ना करें और मिसअंडरस्टैंड भी ना करें, वो अगर आपके पास है तो वो वीडियो दिखा दी जाए। बिल्कुल, हम वही अपने नाज़रीन से शेयर करेंगे, उसके बाद वो क्या कहते हैं, उसके बाद दुनिया हम पॉइंट्स पर जो है वो मजीद बात करेंगे। इन्वेस्टिगेशन जो है वो हो रही है, जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना हो जाए उस वक्त तक कोई नतीजा अखज करना मुनासिब नहीं है। जी डॉक्टर साहब,
ये अब इसमें जो हकायक बयान किए गए हैं, क्या आप समझते हैं कि इस तरह से अगर हम देखें तो हम आसानी से पहुंच सकते हैं उन उस बुनियाद तक जो कि सबब बनती है इस तरह के वाकयात का? देखिए ना, ये थोड़ा सा छोड़ दीजिए, मैं जनरलाइज्ड बात नहीं करना चाहता, लेट अस बी स्पेसिफिक। एक वाकया होता है चारसदा में, वहां से एविडेंस, वहां से लीड, वहां से टेलीफोन, वहां से कॉलें ट्रेस होती हैं, पकड़ी जाती हैं, टेलीफोन नंबर पकड़े जाते हैं और उसके बाद पड़ोसी मुल्क को यह बात बताई जाती है। जब यह बता रहा है पाकिस्तान का आर्मी चीफ, तो दूसरी तरफ हमारी वजारत खारजा क्या कह रही है? वो कहती है तहकीकात मुकम्मल होने तक कुछ कहना सही नहीं होगा। ये किस मुल्क की वजारत खारजा है जी? पाकिस्तान की है जिससे ये तनख्वाह लेती है? ये पाकिस्तान की है जिसके क्वार्टरों में ये रहती है? ये पाकिस्तान